आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हमने लेकर के आए हैं एसएससी सीजीएल 2022-23 का दिसंबर सेकंड शिफ्ट का फुल एनालिसिस जो कि जीके का क्वेश्चंस होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों शाम को भी आने वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन का। दोस्तों आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा गांधी। तो दोस्तों जान लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या होता है, कब मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे आर्टिकल 51A में है और दोस्तों मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत अपनाया गया 1976 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उपराष्ट्रपति की कार्यकाल कितने साल की होती है? ऑप्शन नंबर ए 5 साल, बी 6 साल, सी 7 साल या डी 2 साल। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंदिरा गांधी गारंटी योजना किस राज्य ने शुरू की? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी यूपी या डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गुजरात का कौन सा त्यौहार नहीं है? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर तो दोस्तों हम लोग नहीं बता नहीं कोई एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाया हम लोग को, लेकिन दोस्तों गुजरात का त्यौहार कौन कौन सा होता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों गुजरात में नवरात्रि मनाया जाता है, नवरात्रि, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा गुजरात में दोस्तों दीपावली मनाया जाता है, होली मनाया जाता है, पतंग महोत्सव मनाया जाता है, रथ यात्रा मनाया जाता है, भद्र पूर्णिमा मनाया जाता है, जन्माष्टमी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रवि की फसल कौन सी है? तो दोस्तों रवि की फसल जो है वो गेहूँ है। इसके अलावा दोस्तों रवि की फसल और कौन कौन सी होती है? तो दोस्तों रवि की फसल और होती है जौ होती है, आलू होती है, चना होती है, मटर होती है, ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा सरसों भी होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगस्त और सितंबर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गणेश चतुर्थी, बी दुर्गा पूजा, सी छठ या डी दीपावली। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गणेश चतुर्थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पंचवर्षीय योजना से संबंधित चौथा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बट चौथा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो दोस्तों चौथा पंचवर्षीय योजना हमारा हुआ था 1969 से 1974 के बीच में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, CaCO3 का नाम क्या है? तो दोस्तों CaCO3 का नाम होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे वो हमारे थे दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 86वां संविधान संशोधन क्या था? तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन यही था जिसमें कि आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था और दोस्तों इसके तहत 14 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे थे उन लोगों को फ्री में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का एक अधिकार दिया गया था जो कि 86वां संविधान संशोधन था, यानी कि इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा शिक्षा का अधिकार। दोस्तों क्वेश्चन का जीके का लेवल जो होता है बहुत ही मतलब सिंपल है इस बार, और दोस्तों आप अगर आप थोड़ा मोटा भी तैयारी किए हैं मतलब लगभग 5-6 महीना भी अगर जीके बढ़िया से पढ़े हैं तो आपका जीके का यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। दोस्तों हर एक शिफ्ट में करंट अफेयर्स का जो भी जितने भी क्वेश्चन है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखे जा रहे हैं, इसके अलावा 5 से 7 क्वेश्चन साइंस के देखे जा रहे हैं, और इसके अलावा जो भी बाकी क्वेश्चन है वो सभी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से। दोस्तों पॉलिटी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है हर एक शिफ्ट में, पॉलिटी के 2 शिफ्ट में देखा गया है कि पॉलिटी के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं शाम को पूरे शिफ्ट के ऑल 75 क्वेश्चनों के एक बेहतरीन से सीरीज के साथ। जय हिंद जय भारत।